इस बार भी बिग बॉस के घर के अंदर नामचीन हस्ती और आम लोगों का जमघट लगेगा। इसके लिए शो से जुड़ी चयनकर्ता टीम ने 30 लोगों का चयन किया है, जिसमें से 16 लोग शुरुआत से बिग बॉस के घर में दाखिल होंगे। इन 16 लोगों में से 13 फिल्मों और टीवी की जानी मानी हस्तियाँ होंगी और 3 आम लोग होंगे। घर में घुसने में पहले इन सभी को कोरोना वायरस की जाँच से गुजरना होगा। शो का सेट लगाने के लिए मुंबई फिल्म सिटी में नापजोक का काम शुरू हो चुका है। इसे बनाने वाले प्रोडक्शन हाउस ने सेट बनाने के लिए जगह वगैरह भी देख ली। मॉनसून के तुरंत बाद फिल्म सिटी में ही बिग बॉस का नया सेट लगने जा रहा है। शो की शूटिंग से पहले इसमें हिस्सा लेने वाले सारे लोगों को हफ्ते भर दूसरे लोगों से अलग और अकेले क्वारंटाइन रखे जाने की भी तैयारी। इसे प्रसारित करने वाला चैनल चाहे कुछ ना कहे, लेकिन जिस दिन सुर्खियां इसके शो खतरों के खिलाड़ी को लेकर बननी चाहिए, उस दिन मुंबई में हर तरफ सवाल एक ही है कि बिग बॉस का क्या हुआ। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में जिस तरह से हिंदी सिनेमा के कुछ बड़े नामों के दामन पर दाग लगे हैं, उसका असर उनकी ब्रांडिंग पर कितना हुआ दिखना बाकी। शुक्रवार के दिन पहले करण जौहर की मुंबई फिल्म फेस्टिवल मामी के बोर्ड से इस्तीफा देने की बात सामने आई। अब शनिवार की सुबह है सलमान खान के शो बिग बॉस की शूटिंग चल जाने की सुर्खी से। जी हाँ, करण वैसे तो कोरोना वायरस की वजह से हुए लॉकडाउन के कारण शूटिंग शुरू ना हो पाना ये बताया जा रहा था, लेकिन टीवी के बहुचर्चित रियलिटी शो बिग बॉस के 14वां सीजन का प्रसारण उनके अपने तय समय से शुरू ना हो पाने की और भी वजह गिनाई जा रही। लगभग एक महीना या उससे भी ज्यादा देरी से शुरू होने जा रहे बिग बॉस के निर्माता मुंबई का मौजूद माहौल ठंडा हो जाने देने के हक में है। बताया यही जा रहा है कि अक्टूबर के पहले सप्ताह से ही शुरू होने की तैयारी कर रहा ये शो अब अक्टूबर के अंतिम सप्ताह या नवम्बर में शुरू होगा।